नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। दोस्तों आज की वीडियो में आपको धन संपत्ति, संपत्ति मतलब अचल संपत्ति, गाड़ी बंगला जमीन मकान, स्थायी संपत्ति की तरफ ये उपाय आपको ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन लेके उस पर मकान बनाना चाहते हैं, जो लोग ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य मतलब हर चीज ऐश्वर्य आराम की उनके पास अगर इच्छा रखते हैं, तो इस वीडियो में जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, उस उपाय से मेरा दावा है कि सिर्फ ये उपाय आप कर ले मंगलवार के दिन। मंगलवार को आप सुबह सूर्योदय से लेके और रात के 10 बजे के पहले पहले तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं। पूरे दिन में रात को 10 बजे कभी भी कर ले। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। कहा गया है कर भला तो हो भला, किसी का भी आपके शेयर करने से अगर किसी ने ये उपाय किया और उसका भला होगा तो उसका कुछ परसेंट पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन इस क्रिया को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और जो मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, मंगल प्रधान से मतलब मेष राशि वाले, या फिर जिनका मूलांक 9 का है, उनके लिए तो ये उपाय कंपलसरी है। उनको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और ऐसे इस क्रिया को कोई भी कर सकता है। मंगल भूमि पुत्र हैं और मंगल जिसके भी मजबूत होंगे दोस्तों, उस व्यक्ति के अंदर साहस वीरता और अचल संपत्ति प्राप्त करने की क्षमता पहले से ही विद्यमान होती है। तो आपको क्या करना है, आपको 9 लौंग ले लेनी है। कितनी, मंगल का अंक 9 का है, 9 फूल वाली लौंग ले लेनी है और आपको गुड़ के छोटे छोटे 9 टुकड़े करके रख लेने एक कटोरी, एक बाउल ले लें छोटा सा, उसमें 9 टुकड़े गुड़ और 9 लौंग गिन के रख लें। गुड़ मंगल का बहुत ही प्रिय प्रसाद माना जाता है। मंगल ग्रह का कलर भी रेड कलर माना जाता है और गुड़ उनको बहुत प्रिय है। और आपको कोई लकड़ी ले लेनी है थोड़ी सी और मिट्टी का कोई पात्र ले लें छोटा सा, जिसमें आप वो लकड़ी घी डाल के जैसे अपने हवन करते हैं, आपको कोई बड़ा हवन नहीं करना है। मिट्टी के पात्र में या आपके घर में हवन कुंड हो तो उसमें आप लकड़ी रख के, और लकड़ी आम की हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो आपके पास कोई भी लकड़ी जो अरेंज हो पाती है
नीम की लकड़ी ना ले। पवित्र कोई भी लकड़ी का अरेंज करें आप, नहीं तो पूजा पाठ की दुकान में आम की लकड़ी या सबन की या लकड़ी मिल जाती है, वो ले लें आप। और हल्की सी आग जलाएं, घी डाल के, और थोड़ा सा कटोरी में घी रख लें दोस्तों। आप एक लोग पहले अग्नि जलाएं हवन की तरह, और आपको ओम अंगारकाय नमः बोलते हुए एक गुड़ का टुकड़ा और एक लौंग आपको उसमें चढ़ा देना। उसके बाद एक बूंद दो बूंद घी चढ़ाना है, ओम अंगारकाय नमः बोलते हुए। आपको लौंग और गुड़ एक साथ चढ़ाना है दोनों, एक लौंग ले ले, गुड़ का टुकड़ा ओम अंगारकाय नमः बोलते हुए वो चढ़ा दें, और घी की बूंद डालते समय ओम अंगारकाय नमः वो आपको इस तरह से करना है। नौ गुड़ के टुकड़े, नौ लौंग चढ़ा दें, उसमें नौ बार ओम अंगारकाय नमः बोलेंगे और नौ बार आप घी उसमें डालेंगे, तब आप ओम अंगारकाय नमः बोलेंगे। बस ये बोलने के बाद आपको मंगल देव से प्रार्थना करनी है। आप जो चाहते हैं, जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, वो सब आपको मन ही मन उनको हाथ जोड़ के बोलना है। बस ये क्रिया करते समय दोस्तों आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कहीं एकांत में, घर में, रूम में, कहीं भी बैठ जाए, और आपको थोड़ी सी ही लकड़ी लेनी है, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। बस ये करने के बाद जब उसकी राख बचती है ना, वो राख आप किसी बर्तन में ले लें या कहीं भी बहते हुए स्वच्छ पानी में आप उसको प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके या तो जमीन होगी, नहीं तो मकान होगा, या आप जो चाहते हैं वो संपत्ति आपके पास होगी। करते रहिए इसको, करने समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। बस नमस्कार दोस्तों।